ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन सामने पूछूंगा. Do you like your mother more और आपको आपके डैड ज्यादा पसंद है या मॉम ज्यादा पसंद है? Oh, I love both of them. Come on. So that's the answer. बाकी ये लोग बताएंगे कौन सा वाला? छोगाड़ा? Okay, make some noise for छोगाड़ा everybody. कितने लोगों को छोगाड़ा पसंद है? और कमरिया? It's equal, okay. It's equal, okay. अहमदाबाद से हो, गुजराती हो, मैं भी गुजराती हूँ. हमने गुजरात की बहुत सारी नवरात्रि देखी है. अगर आपको परफॉर्म नहीं, खेलने जाना हो कहीं पे, तो अहमदाबाद की नवरात्रि में खेलना पसंद करोगे या फिर पंखेड़ा की नवरात्रि में? मैं जब से आफ्टर रोस्टर में नवरात्रि अहमदाबाद में तो नहीं जा पाया, और सबसे ज्यादा मैंने नवरात्रि एंजॉय की है इंदौर में और पंखेड़ा में. सो आई वुड लव टू कम हियर एंड परफॉर्म एंड सबके साथ मैं नाचूंगा. जैसे गुजराती ब्रेकफास्ट होता है हमारा फाफड़ा जलेबी, जो मुझे भी बहुत पसंद है, तो वो या फिर इंदौरी पोहा? इंदौर वाले अभी तो इंदौर में आओ, तो इंदौर वाले जो प्यार से खिलाएंगे मैं खा लूंगा. अच्छा, पोहा कौन खिला रहा है दर्शन को? कौन लेके जा रहा यार? तो कल सुबह चलते हैं पोहा खाने. दर्शन, मुझे लग रहा है आपको अगले साल तक यहीं पे रुकना पड़ेगा अगर इन सबके हाथों का पोहा खाओगे तो. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे द क्राउड इज सुपर डुपर एंथुसियास्टिक, दे जस्ट लव यू. टेल मी वन थिंग, मुंबई में भी हमने देखा हुआ है गणपति के टाइम पे लोग पगला जाते हैं, द क्रेजीनेस इज जस्ट मतलब मैडनिंग. तो गणपति मुंबई वाला क्राउड के फिर पंखेड़ा का क्राउड, किस में है ज्यादा जोश? मैंने अभी तक गणपति में वैसे परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा नवरात्रि इस लोग वेट करते हैं गुजरात में, अहमदाबाद में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ. मैंने देखा है लोगों को, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, महीनों पहले से लोग वेट करते हैं नवरात्रि के अंदर, पर मैंने इतनी एनर्जी अहमदाबाद में भी नहीं देखी है. सो आई थिंक That's a great thing I've seen. Such beautiful people and beautiful energy I've seen here. Awesome. मेरे सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं. ये दो लेमनेड्स आपके लिए है. अब मैं जाऊंगी ऑडियंस में, ठीक है? हम दो सवाल पूछेंगे आपको, जिनका सवाल अच्छा लगे आप उन्हें वो लेमनेड दे देना. तो किससे? हाँ जी, चलो. I think this girl here in black and white wants to say something. Firstly, I have a huge crush on you. And in front of you, first of all, I want to say you that I really love you. And अगर आप थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा होगा. वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. अंशुल कोरवाल. अंशुल, अंशुल, love you too. Thank you so much, girl. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wait a second. Let me get the lemon. इस तरफ से सवाल तो नहीं था, बट ऑफकोर्स एक प्रपोजल था. वैसे प्रपोज तो आई एम श्योर सारे लोग करना चाहेंगे. गाइस, इट हैज़ टू बी अ क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी प्रपोजल. कम ऑन, यस, ओके. द गर्ल इन पिंक, यस, क्या सवाल है आपका? व्हाई आर यू सो क्यूट? मेरे डैड वहां पर हैं, उनको पूछ लीजिए. व्हाई आई एम सो क्यूट, आई हैव नो आईडिया, हाउ कैन आई से, बट थैंक यू, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. लेट मी, दैट्स वैलिड, दैट्स वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड यार. क्यूटनेस ओवरलोडेड ऑफ मी. एक्चुअली यू आर वेरी क्यूट, यू लुक वेरी क्यूट, सी विद द ग्लासेस ऑन. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? एक्सीलेंट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. प्रेरणा, थैंक यू प्रेरणा. कितने लोग यहाँ पे ये सवाल का जवाब दे सकते हैं? दर्शन की इसी मंथ यानी की अक्टूबर में बर्थडे है, विच इज द डे. जोर से बोलो, मैं सुन लूंगी. 18 अक्टूबर.
ऑलराइट, तो सारे मिलके सेलिब्रेट करें दर्शन की बर्थडे, सारे मिलके हैप्पी बर्थडे गाओगे? सुपर, तो दर्शन हम यहाँ पे चलिए आपकी केक कटिंग करते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी फॉर केक कटिंग जीतू भाई सोनी जी फ्रॉम लोकस्वामी परिवार, सर प्लीज आ जाइए, हुकुम भाई सोनी जी, हमारे नरेंद्र जी रघुवंशी, विजय जी खंडेलवाल, राजेंद्र जी रावल जो कि हमारे दर्शन जी के पापा है, नौशाद जी एंड राकेश भाई, प्लीज मैंने जिनका नाम लिया वो सर जेंटलमैन प्लीज कर रहे हैं यहाँ पे, यस टू कट द केक ऑफ दर्शन रावल, सारे मिलके आएंगे, हैप्पी बर्थडे, यस यार, फ्लैश लाइट चालू हो जाए सबकी, कम ऑन वी आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, सारे मोबाइल फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं, कब दर्शन का अगला गाना आएगा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस आउट हियर, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा बाय द वे जो भी मानते हैं कि दर्शन इतने क्यूट कैसे हैं, इतने टैलेंटेड कैसे हैं, मुझे लगता है श्रेय जाता है ऑफकोर्स पापा जी को, या राजेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और सारी लड़कियां जो प्रपोज करना चाहती है डायरेक्ट मत जाओ, अगर फादर इन लॉ को मना लिया और इंदौर में जीतू भाई से मिलो, अच्छा इंदौर में जीतू भाई से मिलो, जीतू भाई इधर राजेंद्र जी से मिल लीजिए, मेरे प्यारे प्यारे जी, हाँ यहाँ पे